The Wire. 1947 में बंटवारे के वक्त जब सरहद के दोनों ओर का पंजाब हिंसा की आग में जल रहा था और कत्लेआम का मंजर था, तो उस दौरान एक इलाका ऐसा था जो हिंसा के साए से दूर था। इस जगह का नाम था मलेरकोटला, जो आज भारतीय पंजाब का एकमात्र मुस्लिम बहुल कस्बा है। पंजाब के गुरुद्वारों मंदिरों के बीच में यहाँ की जामा मस्जिद और शीश महल की अपनी अहमियत है। मलेरकोटला के नवाब थे शेर मोहम्मद खान। उस दौरान मुगल बादशाहों और सिख गुरुओं के मानने वालों के बीच जबरदस्त संघर्ष चल रहा था। मुगलों ने उस समय गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों को दीवारों में चुनवाने का आदेश दिया था, जिन्हें सरहिंद में 1705 में पकड़ा गया था, लेकिन मलेरकोटला के नवाब ने इसे गैर इस्लामिक बताकर इसका विरोध किया था। तब से ही सिखों और यहाँ के मुसलमानों के बीच अनोखा रिश्ता रहा है। आजादी के बाद दंगों के दौरान बहुत से लोगों को उस समय मलेरकोटला के नवाब इफ्तिहार अली खान ने शरण दी थी। लुधियाना से कोई 43 किलोमीटर दूर बसे मलेरकोटला में कभी मुगल काल में नवाबों की मनसबदारी थी, लेकिन आजादी के बाद तरक्की और विकास की रेस में मलेरकोटला काफी पिछड़ गया है। अगर मौजूदा दौर की बात करें तो गीतकार इरशाद कामिल, अदाकार सईद जाफरी यहीं के बसिंदे रहे। अमेरिका के बॉबी जिंदल का परिवार भी मलेरकोटला से कोई 8 किलोमीटर दूर एक गांव का ही है। बॉबी जिंदल आखिरी बार यहां आए थे जब वो करीब 9 साल के थे। 2000 की जनगणना के मुताबिक मलेरकोटला में 1,35,424 की आबादी में से 60.50% लोग मुसलमान हैं, 20.71% हिंदू और 9.50% लोग सिख हैं। एक किस्सा मशहूर है कि वाजिर खान नाम के शख्स ने औरंगजेब की जान बचाई थी जब शेर ने उन पर हमला किया था। औरंगजेब ने वजीर खान को इलाके का मनसबदारी दे दी। मलेरकोटला के नवाब वजीर खान के ही वंशज थे। हर साल यहाँ हजरत शेख सदर उद्दीन के नाम पर मेला लगता है। इनका जिक्र 15वीं सदी में आता है। उस समय मलेरकोटला एक जागीर के तौर पर मौजूद था। मलेरकोटला दो इलाकों को मिलाकर बना है, मलेर और कोटला। सरकारी वेबसाइट पर दर्ज रिकॉर्ड के बात करें तो मलेर इलाके अब मलेर के न्यू सदर उद्दीन की थी, जो अफगान मूल के थे और वो यहाँ आकर बस गए थे। बहलोल लोधी दिल्ली जाते समय सदर उद्दीन के पास आकर रुके थे और बाद में अपनी बेटी की शादी उनसे कर दी और साथ में 68 गांव भी दिए। यही इलाका मलेर कहलाया। बहलोल लोधी ने ही लोधी वंश की नींव रखी थी। उन्हें लोग बाबा हैदर शेख भी कहते हैं और यहाँ हर मजहब के लोग इबादत के लिए आते हैं। इसी तहजीब को मलेरकोटला के लोग यहाँ की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं।